मुंबई माया नगरी, सपनों का शहर, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कभी नहीं रुकती, हमेशा चलती रहती है। लोग भागते रहते हैं, लोगों को अपने लिए समय नहीं मिलता तो दूसरों के बारे में कौन सोचे। लेकिन पूरी तरह ऐसा भी नहीं, समाज में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। मुंबई पर सदियों से समाज की भलाई के लिए समाज के सेवाभावी लोगों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज हित में अनेकों कार्य करते थे। लोगों के लिए कुआं और तालाब का निर्माण करते थे, धर्मशालाओं को बनवाते थे। परंतु समय बदलने के साथ लोगों का नजरिया बदला और कार्य करने का तरीका भी। हम राजस्थानी भाइयों ने पानी का बहुत अभाव देखा रेगिस्तान में, और इसीलिए हमारा समाज प्याऊ पर बहुत विश्वास रखता है और जल सेवा के लिए हमेशा अग्रगण्य रहता है। पानी हमें खरीदना पड़ता है रोज, तो उसके हिसाब से अगर पानी फ्री में मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी सुविधा है। तो लोग तकलीफ से आते हैं, धूप में से आते हैं, तो थोड़ा प्याऊ जैसा वो थोड़ा सा वाइगरे ग्लास पानी मिलेगा तो उन लोगों को थोड़ा प्यास ये हो जाता है। मान पानी कॉस्टली पड़ता है, सब लोग जो बाहर से आते हैं वो खरीद नहीं पाते हैं, आसानी से यहाँ पानी मिल जाती है, आदमी पी लेते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने जो बनाया ना, बहुत अच्छा ये सिस्टम बनाया, और सब लोग आते हैं, पैसे लोग आते हैं तो उनको पानी मिलता है, बिकॉज आउटसाइड में पानी इतना अच्छा नहीं है। सो ये नेट एंड क्लीन और उनका जो सर्विस है, इट इज़ वेरी नाइस सर्विस। हमें सरकार से, समाज से हमेशा इस कार्य के लिए सहयोग मिला, और हमारी अच्छी व्यवस्था देकर दानदाताओं ने भी हमें खूब सहयोग दिया। शहर ने जहां लोगों को उद्योगीकरण और नगरीकरण के साथ साथ विज्ञान, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, ज्ञान और अच्छी वैज्ञानिक समझ दी है, तो वहीं करोड़ों लोगों को नारकी जीवन व्यतीत करने को विवश भी किया है। ये बीएमसी का कनेक्शन है, यहां पे बीएमसी का कॉक लगा हुआ और मीटर लगा हुआ है, उसके द्वारा ये पानी आता है। और ये बीएमसी का पानी इसमें आने के बाद ये टाकी हमारा स्टोरेज टाकी है, इसमें पानी स्टोरेज होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ से पानी लेके जाते हैं, ऊपर ये टाकी है उसमें भी पानी स्टोरेज करते हैं, वहाँ से कूलिंग कर करके उधर फिल्टर लगे हैं, दो फिल्टर हो करके फिर पानी नीचे सप्लाई किया जाता है पानी पीने के लिए पब्लिक को। ये पानी भारतवर्ष में कुल 9 प्याऊएं चलाते हैं, जिसमें 4 बंबई में, 1 नासिक में एवं अन्य 5 राजस्थान में हैं। पानी का देखा जाए तो बहुत ही सब इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं, लेकिन आजकल हो ये रहा है कि पानी के ऊपर भी राजनीति हो रही है। तो पहले एक समय ऐसा था कि सब जगह जगह हमें प्याऊ ईजिली मिल जाते थे, पानी हम लोगों को खरीदना नहीं पड़ता था, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि एक तो प्याऊ कम होते जा रहे हैं, दूसरा इसमें अब राजनीति भी होती जा रही है, और तीसरा ये हो रहा है कि हमें पानी इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है। मैं इधर से कम 3-4 साल से आ रहा हूँ, इधर ये बोतल पीता हूँ,
बहुत अच्छा इसकी जैसा मैं किधर भी ऐसा देखा नहीं हूँ। बहुत अच्छी फैसिलिटी और बहुत अच्छा पानी भी ठंडा रहता है, गर्म बहुत बहुत अच्छी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, सबको पानी का ठंडा मिलता है, जैसा सादा पानी मिलता है सादा मिलता है, एकदम साफ सुथरा है, एकदम पानी भी साफ सुथरा ही है। व्यवस्था एकदम अच्छा है, घर के माफी के एकदम बेस्ट है और स्वच्छ है, अच्छे है। स्कोर बढ़ाना चाहिए क्योंकि पब्लिक यहाँ ज्यादा आती है। ये जो सुविधा है ये मुंबई में हर जगह हर सिटी में इंडिया के हर सिटी में होना चाहिए। बढ़िया है, फर्स्ट क्लास नंबर एक की व्यवस्था भाई साहब। नेट एंड क्लीन है, चारों तरफ से एकदम डिसेंट रहता है, सबको शांति मिलती है। सर प्यार जरूरी है, जो भी किया बहुत अच्छा काम किया, उनको बहुत बहुत हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद उनको। हमारी संस्था द्वारा संचालित विटी के प्याऊ पर शुद्ध शीतल एवं फिल्टर्ड पानी दिया जाता है, जो कि लोगों में एक लोग हमेशा पीते पीते उनमें एक आत्मविश्वास हो गया कि यहाँ का पानी एकदम शुद्ध है। हम सरकार के आभारी रहे हमेशा कि उन्होंने हमें इतना अच्छा अति रमणीय स्थान देकर और हमें प्याऊ बनाने का मौका दिया और हम उनकी सोच पर खरे उतरे, बात रहने दीजिए। अगर हमें मौका दिया जाए तो हम अन्य स्थानों पर भी खोलना चाहेंगे जहाँ जगह अच्छी और घनी आबादी, जिसे अधिक से अधिक लोग पानी का उपयोग ले सकें। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि नर सेवा ही नारायण की सेवा है। अगर नर को पानी पिलाया तो नारायण को पानी पिलाने बराबर है। तो हम सभी से यही शुभकामना चाहते हैं कि सब हम ऐसे कामों में जुड़े रहें और हमेशा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।